अस्सलाम वालेकुम। आज स्पीच वाला वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि कुछ मेरे साथ में कुछ अलग हुआ और कुछ ये मेरी जो बिलीव वाली बातें जो मेरे बुज़ुर्गों से मैं सुनी हूँ तो यकीदे वाली बातें हैं, तो उस पर मुझे यकीदा है, इसीलिए मैं आपके साथ ये बातें शेयर कर रही हूँ। क्योंकि आज मेरे साथ ये कुछ हादसा ऐसा हुआ है, मैं सुबह कुछ काम के सिलसिले में बाहर निकली थी और मेरी तबीयत रात से ही थोड़ी अप डाउन थी, तो थोड़ा ऐसे आप जैसे कि मेरी ड्रेसिंग से आप अंदाज़ा लगा ही लेते हो कि मैं जब खुश रहती हूँ तो मेरी ड्रेसिंग करने की स्टाइल और रहने की स्टाइल, बोलने की स्टाइल ही अलग होती है। तो ठीक है, मैं काम है, काम के लिए तो मैं कभी भी चाहे बीमार भी रहूँ चाहे कुछ भी रहूँ, पर काम के लिए मैं कभी रुकती नहीं हूँ। इंशाल्लाह मैं काम के लिए सुबह निकली और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि ये देखिए मैंने जो मेरा एक्सटेंशन था मैंने निकाल चुकी हूँ। आज मेरे ये रियल हेयर है और जो मेरे नेल एक्सटेंशन थे वो भी मैं निकाल चुकी हूँ। ये वाले रियल नेल्स हैं मेरे, वो इसलिए क्योंकि मेरा मैंने आपको परसों पोस्ट की थी कि जब मैंने तिलावत लगाई तो मुझे मक्का की बहुत याद आई और उस टाइम मैं बताई भी कि मेरे आँख से पानी आ रहा था, बट आपके साथ में मेरी जो कोऑर्डिनेशन होती है वो एक मिनट की होती है, उसके बाद में मैं बहुत रोई क्योंकि सच में मुझे मक्का की बहुत याद आ रही थी और बहुत कुछ याद आ रहा था उस पल की चीज़ें। तो बस मेरा दिल दो दिन से बहुत बेचैन है, तो इसीलिए मैंने अपने नेल्स भी निकाल दिए और अपने जो हेयर भी निकाल दिए, बिकॉज मैं चाहती हूँ क्योंकि मैं शायद ये सब चीज़ों से काफ़ी दिनों से नमाज़ों से बहुत दूर हूँ। तो बस मेरा दिल बहुत चाह रहा है कि मैं अल्लाह के पास झुकूँ, अल्लाह के पास सजदे में मेरी दिल की जो बेचैनी है मेरे अल्लाह के पास बस बयान करूं, क्योंकि मुझे पता है कि अल्लाह के सिवा कोई ये चीज़ें दूर नहीं करते। ये रही मेरी दिल की बातें, तो आज जो भी मैं आपको दिख रही हूँ ये रियल सायरा सत्तानी, आज मेरे पास कुछ भी नहीं है नकली बताने के लिए आपको। और जो अब मेरे साथ हादसा हुआ वो मैं आपको बताती हूँ। मैं वहाँ से निकल रही थी तो एक बाबा ने मुझे आवाज़ दिए कि बेटी 2 रुपये देकर जाएगी, तो मैंने उनको अनसुना कर आगे बढ़ गई गाड़ी के तरफ। तो उन्होंने बोला कि गरीब नवाज के नाम पे कुछ दे जा, तो बस मेरा दिल वहीं पे एकदम से भर आया, तो मैं उनको एक 10 रुपये की नोट निकाली। तो मैंने बोला बाबा आपने गरीब नवाज का नाम लिया ना, तो इसीलिए मैं आपको ये दे रही हूँ। तो मैंने उनकी झोली में डाली, वो कोई दरवेश थे। तो फिर मुझे उन्होंने बोला कि अजमेर गई, तो मैंने बोला बाबा हर महीना जाती हूँ। तो वो बोले कि बहुत अच्छा। तो फिर मैं ऐसे पलट के आने लगी तो उन्होंने बोला रुक दुआ तो लेती जा। तो मैं फिर पलटी और उनके पास ऐसे जाके अपने सर को नीचे करी, क्योंकि बुज़ुर्ग लोगों से मैं ऐसे भी बहुत मोहब्बत करती हूँ। तो आपको पता है उन्होंने दुआ के तो दुआ के रूप में मुझे क्या दिए, मेरे आग में तो कांटे आ गए थे, रोंगटे खड़े हो गए थे उस टाइम। फिर बोले उन्होंने जब बोला ना कि दुआ तो लेती जा, तो देखो उन्होंने दुआ के तौर पे मुझे मेरे हाथ में ये रखा और फिर मुझे बोले कि मैं परसों जा रहा हूँ दरवेश। तो मैंने बोला आप कहाँ, कमल अली दरवेश जा रहे हो? तो बोले हाँ पूना। मैंने बोला हाँ। तो बोले कि बेटी 2 किलो शक्कर दिलाएगी मुझे? तो मैंने बोला हाँ बाबा दिलाते हैं। तो बोले मुझे पैसे नहीं चाहिए, शक्कर दिला के दे दुकान से। तो मैंने अपने पर्स से 100 रुपये निकाले। मैंने बोला मैं भरोसा करती हूँ आप ये ले लीजिए। तो बोले नहीं मुझे पैसा नहीं चाहिए। मैंने बोला देखो अल्लाह गवाह है, मैं भरोसा करती हूँ आप इसकी शक्कर लीजिए और मेरे हक में ज़रूर दुआ कीजिए। तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि ये भीख दे रही है या खैरात? तो मैंने बोला आपने सवाल किया मैं जवाब दी। तो फिर बाद में बोला कि ये किसके नाम पर दे रही है? तो मैंने बोला अल्लाह के नाम पर। तो उन्होंने एक सेकेंड के लिए मुझे ऐसे देखे, मुस्कुराए, बोले अल्लाह के नाम पे दे रही है? मैंने बोला हाँ। बोले जा तेरे हर दिल की बात पूरी होगी जा। तो मैं ऐसे मुझे वैसे मुस्कुरा के देखे और बोले जा। फिर बोले कि पलट, ऐसे मैं पलटी ना तो उन्होंने अपना सर मेरे हाथ पे रखे और बोले जा तेरा कोई काम रुकेगा नहीं। बस ये मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ है और मैं बहुत यकीन करती हूँ क्योंकि मैं अपनी माँ और नानी से ये बातें सुन चुकी हूँ कि अल्लाह पाक किसी भी रूप में किसी भी रंग में किसी को भी भेज सकते। तो पता नहीं मेरे दिल की जो कश्मकश चल रही है अल्लाह पाक या मेरे गरीब नवाज ने कोई रूप में किसी को भेजे मेरे दिल के सुकून के लिए और मेरे सरकार को मेरे हथेली पे रख दिए। तो मैं आपको क्या बोलूँ, मेरा दिल तो अभी भी भर कर आ रहा है। इंशाल्लाह बस कल से सजदे में रहूँगी तो अल्लाह हर दुख दूर करे मेरे दिल की। यही बातें शेयर करनी थी आपके साथ और इंशाल्लाह अगर इसमें कुछ गलती हो तो माफ़ करना। आप लोग भी यकीन कीजिए कि
फकीर के रूप में अल्लाह किसी भी रूप में किसी से भी मिला देते हैं। तो इसीलिए कोई भी अगर आपसे कुछ भी चीज़ की फरियाद करे, अगर आप दे सकते हो तो ज़रूर दे दीजिए, नहीं तो प्यार मोहब्बत से उनको बोलकर आप आगे बढ़ जाइए। पर धुतकारिए मत किसी को, धुतकारना नहीं कभी किसी को। बस यही मेरी आपके साथ बात थी और दिल की बातें थी। चलिए अल्लाह हाफिज़। अब मैं चाय पी रही हूँ, आ जाइए चाय पी।